हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। और आज ये कोई ऐसा व्लॉग नहीं है जो डेली व्लॉग है, वो इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ एक्साइटेड है, क्योंकि आज हमने हॉस्पिटल विजिट किया था और डॉक्टर ने बोल दिया है कि जिस घड़ी का आपको इंतज़ार है वो कभी भी आ सकती है। मीन्स कभी भी आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आना पड़ सकता है। डॉक्टर ने पूछा कि आपने अपना बैग पैक करके रखा है, इनका नहीं, तो कब रखोगे? तो डॉक्टर ने बोल दिया है अपना बैग वैग सब पैक रखें, क्योंकि कभी भी आपको हॉस्पिटल आना पड़ सकता है और उस टाइम पे फिर आप जल्दबाजी में पैक नहीं कर पाएंगे अपना कुछ भी सामान, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप कैरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना पहले से रेडी रखो। तो आज मैंने और बंटे ने डिसाइड किया है हम अपना मैटरनिटी बैग पैक कर लेते हैं। आइटम्स, सामान वगैरह तो हमने पहले से ही परचेज कर रखा है, धीरे धीरे कर लिया था सारा, लेकिन हमने पैक नहीं किया था कि अभी क्या पैक करके रखना है, बाद में कर लेंगे, जब होगा तब पैक कर लेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि आप अपना पैक करके रख लीजिए, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है तो बाद में पैक नहीं किया जाएगा हनी से, तो इसलिए काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। हनी भी, वैसे भी हनी मुझे मेरी केयर करेंगे या बैग पैक करने के लिए रूम पे आएंगे, इसलिए अभी बैग पैक कर लेते हैं दोनों। और हमने क्या क्या मतलब बाय किया था, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, 2-3 वीडियो, वो आप देख सकते हैं। तो हॉस्पिटल बैग पैक करने का भी एक अलग है कि आपका अगर बेबी गर्मियों में हो रहा है तो आपको अलग से बैग पैक करना होता है, सर्दियों के लिए अलग से बैग पैक करना होता है, और अभी जो हमारी जो डिलीवरी होगी वो होगी सर्दियों में, तो सारी सर्दियाँ होंगी, इस वजह से उसी अकॉर्डिंग हमें बैग पैक करना पड़ेगा कि सर्दी के लिए क्या क्या आइटम होने चाहिए। और कुछ हमें कंफर्म नहीं होता है कि हॉस्पिटल में आपको कितना टाइम लग सकता है, तो हमें पहले से ही पूरा प्रिपेयर होकर रहना है। कुछ और कुछ आइटम मतलब ऐसे होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा कैरी करने होते हैं, बाद में ये ना हो कि कुछ कम पड़ गया। तो बंटे की शक्ल से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब कैसा फील कर रहे हो आप अपना आगे का, उसको मुझे बहुत डर लगा हुआ है, बहुत मतलब डर भी लगा हुआ है और अच्छा भी। डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना आपके साथ, सब सही होगा। डर तो लगता ही है, ऐसे डर तो रहता है, लेकिन मतलब एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, वो सब उसमें एक्साइटमेंट तो है, लेकिन एक्साइटमेंट तो तभी होगी डिलीवरी होने के बाद, उससे पहले का तो डर ही होता है ना। डरो मत, सब सही होगा, मैं आपके साथ हूँ, फिर आप क्या करें, और होपफुली सब सही होगा, गॉड सब सही करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं बैग पैकिंग, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है जिसको कंप्लीट करना है टाइम रहते हुए, वरना बाद में मैं हड़बड़ा जाता हूँ, तो इसलिए इसको पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। करें स्टार्ट। तो अभी जो बैग पैक कर रहे हैं वो सिर्फ बेबी के लिए बैग पैक हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अपना बैग पैक नहीं कर रही हूँ, कुछ एक चीज़ें मेरी बची हुई हैं लाने के लिए। हाँ, तो फिर 1-2 दिन के अंदर मैं अपना बैग पैक कर लूँगी। चलो पहले उसका तो कहते हैं। हाँ, क्योंकि उसके लिए हम सारी चीज़ें ले आए हैं, इसलिए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो ये मतलब जो हमारा फर्स्ट बेबी है उसमें हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, हमें पता नहीं है कि क्या क्या कैरी करना होता है हॉस्पिटल जाते टाइम बेबी के लिए या फिर मदर के लिए। है कि कोई चीज़ छूट ना जाए और डॉक्टर बोले ये लाए और हम बोले कि नहीं ये तो पता ही नहीं था हमें, इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस भी है इस वजह से हमें। लेकिन काफ़ी हमने यूट्यूब पे, गूगल पे देखा है कि क्या क्या बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए, क्योंकि विंटर वाला सीजन वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। समर में तो फिर भी चल जाता है, कुछ नहीं पहनाया तो भी चल जाएगा, नहीं दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन विंटर में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और अभी हम जैसे हड़बड़ा रहे, गूगल पे हम देख रहे थे, यूट्यूब पे हम देख रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो हमने सोचा हम भी ये एक वीडियो बना देते हैं ताकि कोई ये वीडियो देख के किसी को तो अच्छा लगे कि हाँ, पता लगे कि क्या कुछ कैरी करना होता है हमें। हाँ, डिलीवरी के लिए जाते टाइम वैसे तो नॉर्मली बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या कुछ पैक करके लेके जाना होता है, सब जल्दबाजी में चले जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं और सब अपना पहले से ही बैग पैक करके रखते हैं, और डॉक्टर भी आजकल पहले ही बोल देते हैं कि अपना रेडी रखो आप। वो वाली बात है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो गाइस करते हैं शुरू, लेके राम का नाम, जय बजरंग बली। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, सब सही हो, सब अच्छा हो। और ये बैग पैकिंग स्टार्ट। ये वाला बैग 1-1.5 साल पहले मैंने अपनी शादी के लिए किया था, सेम बैग मैंने रखा है बेबी कि बेबी के लिए। पूरे 2 साल होने वाले हैं, 2 साल हो चुके हैं। हाँ, ऐसे 1.5-2 साल पहले। और यही बैग मैं हनीमून पे लेके गई थी जिसमें हनी ने नोवेल अभी भी रखी हुई है, निकाली नहीं है। और ये गोवा का हमें वहाँ पे पैकेज मिला था एडवेंचर एक्टिविटीज का। उसके बाद हमने ये छेड़ा ही नहीं है क्या? ब्लू वाला ले। ये आपकी कैप? ये मेरी कैप है। अच्छा लग रहा है कैप आप पे, अच्छी लगती है। हाँ वाओ। की बात कहीं चलेंगे वो राउंड वाली नहीं, ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, वैसे ज्यादा अच्छी लगती है आपकी फेस पे। चलो अभी इन फालतू चीजों को निकाल के रखते हैं और बेबी के लिए तैयारी शुरू करते हैं। कोई आने वाला है, अब उसका भी इसमें सामान आने वाला है। कोई आने वाला है जो हमारे घर को सजाने वाला है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या रखेंगे इसमें हमें बताते जाएं, हमें आइडिया नहीं है क्या चीज है, उसको क्या बोला जाता है। काफी कुछ सामान मेरे को दिखा है। चलो मैं आपको देता जाऊंगा, आप सामान को रखते जाएं। ये क्या है? ये है टॉयलेट सीट। ये किस लिए यूज होगा वहाँ पे? बेड सीट पे बिछाने के लिए। अगर बेबी सुसु कर देता है तो ये फिर नीचे बेड सीट के अंदर नहीं जाएगा, इसी पे रह जाएगा। ओके, तो ये आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो। हाँ। ये भी हो सकता है हमें वहाँ से सीधे घर जाना पड़ जाए। ओके, अगर हम यहाँ नहीं आ पाए तो फिर ठीक है। नेक्स्ट ये स्वेटर है बेबी की। ओके, सर्दी के लिए। हाँ। इसमें क्या है? बेबी की कैप है इसमें। इतनी कैप का क्या काम है? कैप तो यूज हो जाती है ना, 3-4 कैप तो होनी चाहिए। अगर एक गिल्ली भी हो गई तो दूसरी पहनानी है। 4-5 कैप तो होनी चाहिए। कैप गिल्ली क्यों होगी? गिल्ली हो जाते हैं, अगर उसने ऐसे निकाल के फेंक दी, नीचे पानी में गिर गई, कुछ भी हो सकता है ना। ओके, इसमें क्या है? सॉक्स हैं। इतनी सॉक्स? हाँ। पर ये इतनी छोटी सॉक्स छोटी नहीं रहेंगी ये? अरे होते ही इतनी बड़ी बड़ी सॉक्स थोड़ी आएंगी, छोटी तो आएंगी। ये साइज कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा है? छोटा नहीं है हनी, आप देखना चिंगा सा तो होगा वो। What do you mean by चिंगा सा? Okay. हनी एक और सॉक्स होनी चाहिए। Yes. सॉक्स हो गया, कैप्स हो गए। अब मैं आपको देता हूँ ये क्या है? ड्रेस है बेबी की। ओके, सुंदर है। ये भी ड्रेसेस हैं? हाँ, सारी ड्रेस है। ये भी ड्रेस है? हाँ। तो हॉस्पिटल में कौन से ड्रेस पहनाओगे बेबी को होते ही? वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी ना, वो बाद में दिखाओगे। हाँ, होने के बाद। मेरे को इनमें से कौन सी अच्छी लगी बाद में बताऊंगा। ये क्या है? ये है बेबी का टॉवल। बेबी टॉवल? हाँ, नहाने के बाद यूज होता है ना वो वाला टॉवल। दिखाते इसका डिजाइन, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। ये देखो, ये कैप है, उसको ऐसे सर में डाल के और यहाँ से उसको, ये बटन है यहाँ पे, इसको भी हाँ ऐसे बंद कर देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा ऐसे। फिर उसको ऐसे गोदी में ले सकते हैं हनी। तो ये जो जो आइटम आपको इनमें अच्छा लग रहा है, अगर आपको पूछना है बंटी से, आप पूछ सकते हैं कहाँ से ऑर्डर किया है, कहाँ से लाए हैं, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, कितने में मंगवाया, ये भी बता दूंगी। अरे वाह। इसमें क्या है? इसमें डायपर है। ओके, डायपर हो गया। और इसमें क्या है? एक और टॉवल। एक टॉवल से काम नहीं चलेगा ना, इसलिए एक टॉवल यूज कर लिया और गीला रह गया, वॉश किया है। हाँ भाई, नेक्स्ट। ये वाला बेबी का टॉवल है ना, नहीं ये ना टैग उतार देना, क्योंकि टैग फिर बाद में कहाँ उतारेंगे। ये वाला पिंक कलर का है। अगर बेबी गर्ल हुई तो पिंक, मैंने 2 लिया। अगर बेबी गर्ल हुई तो पिंक, बेबी बॉय हुआ तो ब्राउन। ठीक है। ओके, तो इसमें भी कैप है, ऐसे इसको पहना देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये मैंने दोनों ऑप्शन लिए हैं बंटी ने। ये चीजें आपने देखा, बॉय और गर्ल। हाँ। जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग मैचिंग। ड्रेस भी ऐसे ही लिए ना कि बेबी गर्ल होगी तो ये वाली पहले पहनाएंगे, बेबी बॉय हुआ तो उसके कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि गर्ल्स तो पिंक प्रेफर करती है तो पिंक में वो अच्छी भी लगती है इसलिए। और ये देखो, ये क्या है? ये उसके लिए इनर है। ठीक है, इनर तो मोस्टली कॉमन ही होती है, व्हाइट कलर की होती है, तो छोटे से। हाँ। बंटी पहले मेरे लिए इनर लेती थी मार्केट से, अभी देखो अब बच्चे के लिए लेनी है, छोटी छोटी सुंदर लग रही है ना, छोटी सी। हाँ। व्हाइट कलर की डॉलर देखो, छोटा सा प्यारी लग रही है ना, छोटी सी। हाँ। ये भी मैंने 4-5 पेयर ले लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ज्यादा लेनी ही पड़ती है, सूखे ना सूखे। ये तो हर उसके नीचे पहनी ही जाती है। हाँ। नीचे से। उसके बाद बचा है आपका बेबी के नाइट सूट। वाओ, नाइट सूट अभी बच गया है। ये क्या है? ये बेबी के नाइट सूट है रात में पहनने के लिए, क्योंकि रात में हम स्वेटर और वार्म कपड़े तो पहना नहीं सकते, तो नाइट सूट पहना के सोना पड़ेगा। खुद होते ही नाइट सूट, तो नाइट सूट तो होते ही पहनेगा हनी। वाओ, और अभी आ गया है जो मेरा सबसे बेस्ट है, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, स्लीपिंग बैग। ये है स्लीपिंग बैग, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा सभी में से, क्योंकि हॉस्पिटल में होते हैं आजकल डॉक्टर स्लीपिंग बैग मांगते हैं। इसमें गर्मियों में भी यही होता है, गर्मियों का अलग आता है। गर्मियों में पतला जाता है, सर्दी में तो हम वार्म लेके आए, गर्मी में थोड़ा पतला हो जाता है। ये देखो ऐसे ओपन होता है, इसको पूरा खोल के और इसमें बेबी को रखो, कवर करो, यहाँ से बेबी का फेस दिखता रहेगा आपको। सांस लेने के लिए जगह बनाई हुई है। ये मैंने ना पिंक लिया ना ब्लू लिया, ये मैंने कॉमन कलर लिया है थोड़ा सा, कि इसको बेबी बॉय भी यूज कर सकता है, बेबी गर्ल भी यूज कर सकती है, इसलिए ठीक है। ओके, ये सारी ड्यूटी आपकी है, मैंने आपको दिखा दिया है क्या डॉक्टर को देना है क्या नहीं देना, वो सब मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे करना है, एक फादर की ड्यूटी कैसे निभानी है। हाँ, क्योंकि मैं तो फिर डिलीवरी रूम में रहूँगी, डॉक्टर मुझे तो कहेगी नहीं लाओ बेबी के लिए कुछ निकाल के लाओ, कपड़े दो ये दो वो दो। मैंने इसलिए हनी को पहले ही समझा दिया है कि आपको कौन से कपड़े देने, क्या देना है, कैसे आपको तैयारी करना है, पता चले। फिर मैं आपको, आप बोलो मेरे को ये वाला कलर चाहिए था, आपने बेबी के लिए ये कलर क्यों दिया डॉक्टर को, इसलिए पहले से ही मेरे को तैयार रहना है, याद रखना है बंटी ने क्या बोला है, कौन सा कपड़ा देना है, कौन सा इनर देना है, कौन सा टावल देना है, वो सब मेरे को पहले से याद रखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरे बेबी को एक चीज की भी कमी रहेगी ना तो मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगी। जैसे तो आपका ये लिए, मेरा तो कुछ नहीं है। उसको मतलब वो जब हम अपनी वीडियो देखें ना लास्ट में तो ये ना कहे कि मम्मा मुझे ये नहीं मिला, बाद में कहे मेरे को ये वाला कलर पहनाना था, ये क्यों पहनाया है। हाँ ओके, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे हम कि उसकी मैचिंग अच्छे से हो, और जैसा बंटी ने बताया है वैसा ही डॉक्टर जब मांगे मैं उनको दूं। यस, क्योंकि आजकल के बच्चे इंसल्ट भी बहुत फील करते हैं ना बड़े होने के बाद, जब वीडियो मम्मा इसको डिलीट करो मैं गंदा लग रहा था इसमें, इसलिए गंदा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ताकि उसको प्राउड फील हो अपने पेरेंट्स। और इसी के साथ बेबी का जो बैग है वो पैक हो गया है, अभी बेबी की मम्मा का बैग बचा है जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी इसको बंद कर दें, ये हो गया क्लोज। तो इस तरह से बेबी का जो बैग है वो हमने पैक किया। कुछ चीजें अगर आपको लग रहा हो कि रह गई है हमारी, तो आप कमेंट में जल्दी से बता दें ताकि हम वो चीज भी ले आए। प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने वो चीज मिस कर दी, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं। तो गाइस फाइनली बेबी का जो बैग है वो पैक हो गया है, और अगर हमने जैसा कि बताया कुछ अगर मिस हो गया हमसे, हमें याद नहीं है, कुछ भूल रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं। कुछ भी हम अगर मिस करते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ सही तरीके से नहीं करते हैं, तो कमेंट्स हमें मिल जाता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये वाला नहीं वो वाला करना चाहिए। तो आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे, आप कमेंट करके बताएं। और ये बेबी बैग पैकिंग का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। एंड आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय।